भारतीय संसदीय समूह की वार्षिक आम सभा में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, भूतपूर्व सांसदगण, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवगण, भारतीय संसदीय समूह की वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आईपीजी की पिछली बैठक 7 जनवरी 2019 को हुई थी। वर्तमान लोकसभा में इस समूह की पहली आम बैठक है। इस बैठक के एजेंडे पर अन्य विषय पर चर्चा करने के पहले हमारे समूह के माननीय सांसदगण जो हमारे बीच बने रहे, उनका दुख हम सबको है। मैं इस मौके पर समूह के 93 माननीय सदस्य अब नहीं रहे, ये समूह उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। माननीय सदस्यगण, भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है और जिसका गठन 16 अगस्त 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया है। इस समूह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने विचारों को साझा करना, एक दूसरे देशों के शिष्टमंडल के आवागमन तथा संसद सदस्यों द्वारा संसदीय डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना था, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, पारदर्शी बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार साझा किया जा सके। इसका यह भी उद्देश्य था कि समय समय पर विश्व के प्रमुख नेताओं का समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य विषयों पर व्याख्यान हो, उनके विचार मिलें और उन विचारों से व्यापक रूप से हम सबको जानकारी मिल सके। सभी देश जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उनको सशक्त और मजबूत करने में भारतीय संसदीय समूह की भी व्यापक योगदान रहा है। आईपीजी के हमारे माननीय सदस्यों का एक लंबा संसदीय अनुभव रहा है। हमारा उद्देश्य है कि उनके अनुभवों का हमें लाभ मिले, हमारे आने वाले युवा सांसदों को संसदीय प्रक्रियाओं, परंपराओं, यहाँ की पुरानी परंपराओं की जानकारी नए माननीय संसद सदस्यों को मिले। इसके साथ साथ मेरा विचार है कि हम वर्तमान सांसद के साथ साथ पूर्व सांसद भी हमारे आईपीजी के नेतृत्व में अन्य देशों के शिष्टमंडल से चर्चा करें, संवाद करें और आवश्यकता होने पर समय समय पर भारत का नेतृत्व भी करें। आईपीजी के द्वारा कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेष रूप से उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। पूर्व में 3-4 साल में एक समारोह होता था। कार्यकारी समिति का विचार था कि 2 वर्ष में कम से कम एक समारोह होना चाहिए। इसको 3-4 साल की जगह एक नियत समय में 2 साल में एक समारोह, इसका विचार भी सभी लोगों का था। इसके साथ साथ आईपीजी के पुराने सदस्यों के संसदीय अनुभव का लाभ देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिले,
इसके लिए राज्य के विधानसभाएं हो, पंचायत हो, नगरी हो, सभी को हमारे पुराने संसद सदस्यों का अनुभव उन सभी संस्थाओं को मिले, इसके लिए भी एक व्यापक कार्य योजना बनाने का विचार हुआ है। आईपीजी का प्लेटफॉर्म बनाते समय हमारे उन मनुष्यों का विचार था कि हम समय समय पर भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने में तो हमारी भूमिका रहे, लेकिन पूरे विश्व के अंदर भारत की संसदीय प्रणाली के अनुभवों को विचारों को भी साझा करें। धीरे धीरे विश्व के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास जगा है, शासन चलाने का तरीका भी ये माना गया है कि लोकतंत्र वाला लोकतंत्र ही शासन चलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए आज़ादी के बाद हमने देखा कि कई देशों के अंदर धीरे धीरे लोकतंत्र मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। इसके लिए भी हमारे अनुभव विचार साझे होते रहे, इसके लिए समय समय पर आपस में विचार विमर्श होता रहे। कार्य समिति का यह भी विचार था कि ग्रुप फोटोग्राफ हमेशा संसद के अंतिम वर्ष में होता है, इसलिए कार्य समिति का विचार था कि जब नई संसदीय गठन हो उसके साथ ही ग्रुप फोटोग्राफ भी हो, इस पर भी एक विचार आया। ये सारे विचार मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप अपने अनुभव और विचारों का लाभ हमें दे सके। आज़ादी का 75 वर्ष हो रहा है, 12 मार्च से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के बाद आपका बहुत बड़ा योगदान इस संसदीय व्यवस्थाओं में रहा है। कुछ लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अब लोग तो नहीं बचे, लेकिन इस देश को लोकतंत्र तो सशक्त मजबूत करने में एक लंबी भूमिका आप लोगों की रही है। इसलिए आईपीजी के तत्वाधान में हम अमृत महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके विचार यहाँ पर मिले तो उचित रहेगा। आईपीजी के माध्यम से समय समय पर कुछ व्याख्यान माला भी चलनी चाहिए, समय समय पर कई विषयों पर चर्चा हो, ऐसा विचार भी कार्य समिति की बैठक में आया था। कुछ विषय माननीय संसद सदस्यों ने आईपीजी की पिछली बैठकों में उठाए थे, उन विषयों के बारे में भी विभागों से चर्चा की। दो विषय महत्वपूर्ण थे, और भी सब महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न कोर्ट के बारे में था कि वर्तमान संसद सदस्य से लिखाने के बाद ही भूतपूर्व संसद सदस्यों को वेस्टर्न कोर्ट में जगह मिलती थी, अब माननीय भूतपूर्व सांसद भी कभी भी वेस्टर्न कोर्ट में उसको वर्तमान सांसद से लिखाने की आवश्यकता नहीं, वो जाकर कभी भी उस सुविधा का लाभ उठा सकते। इसी के साथ साथ रेल के अंदर भी बुकिंग में कई परेशानी आती थी, वो रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कल उसके बारे में एक व्यापक चर्चा हुई है, उसमें सभी माननीय भूतपूर्व सांसद ऑनलाइन बुकिंग करा पाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर उनको वीआईपी भी मिलेगी ताकि उनको कोई परेशानी न हो।